हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ जैनेन्द्र भी जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर में हैट्रिक लगाने की जो जद्दोजहद है, दूसरी तरफ वापसी की जंग है, क्या जैनेन्द्र आपको वहां से रिपोर्ट मिल रही है? और रिपोर्ट में कैंडिडेट के लिए नहीं मांग रही हूँ, रिपोर्ट में वोटर्स के टर्नआउट के तौर पर मांग रही हूँ। बिल्कुल रुबिका, वोटर टर्नआउट सुबह से अच्छा नजर आ रहा है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देख पाए, दो कतार है और दोनों ही कतार जो है वो लंबी है, एक महिलाओं की कतार और एक पुरुषों की कतार, और सुबह से कतार में कोई कमी नजर नहीं आ रही। वोटर करके वोट जा रहे हैं और नए वोटर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, और इसी मतदान को लेकर के उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास लोग हैं। मेरे साथ ये एक शख्स हैं जिन्हें कि जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, और ये कितना नेक काम कर रहे हैं। देखिए, जो दिव्यांग वोटर हैं इस बूथ के, उन दिव्यांग वोटरों की ये मदद कर रहे हैं। जैसे देखिए, इनके बगल में एक वोटर है जिन्होंने कि मतदान कर दिया है, ये देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी देश के बिहार के भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए इन्होंने मतदान किया है और इनकी मदद की है इन्होंने। क्या नाम है आपका? अभ्युदय शरण। अभ्युदय, हाँ, बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। नहीं कम नहीं कहूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ये। हाँ, चुनाव आयोग ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, बस उसके लिए बहुत छोटा सा ये मेरे लिए प्रयास है। क्या अपील करेंगे उन लोगों से जो घरों में बैठे हैं? देखिए, जब निःशक्त नहीं है, जब निःशक्त सशक्त होकर साबित कर दिया, डिजेबिलिटी में जब डिजेबिलिटी रही नहीं, डिजेबिलिटी में एबिलिटी है, तो मैं जब ये लोग देखिए, सबसे पहले तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर सुनील अरोड़ा सर का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब मेरी, मैं लास्ट ईयर मैंने उनसे मिला था लोकसभा चुनाव में, मुझे स्वीप आइकन बनाया। लोगों से क्या अपील करेंगे वो? ठीक है, अपनी ब्रांडिंग लोगों से नहीं, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, जब निःशक्त नहीं है, जब सशक्त हो गए हैं, एबिलिटी उनमें, डिजेबिलिटी नहीं, अब एबिलिटी आ चुकी है, तो जब ये घर से निकल सकते हैं तो आप तो भले चंगे, आप क्यों नहीं घर से निकल सकते हैं? आपने 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए वोट देने के लिए अभी घर से निकली और आपने मतदान किया? आपने किया मतदान? नहीं, पहले मैं मतदान करवाऊंगा अपने दिव्यांगों को, तब मैं मतदान करूंगा। देखिए, तो ये है लोकतंत्र के सच्चे सिपाही, मतदान करवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं दिव्यांगों की, और जिन्होंने पहले मतदान किया है उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मकाल कुमार पटेल। मकाल जी, कितने दूर से आप आए हैं वोटिंग करने के लिए? लगभग 600 मीटर दूरी से। 600 मीटर से। किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? नेता और पार्टी का नाम मत लीजिएगा, मुद्दा बताइए। मुद्दा विकास के मुद्दे पर हमने वोटिंग किया है।